फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमन जैन। आज मुझे एक मैसेज आया था जो कि RBI ने भेजा है ₹10 कॉइन के बारे में। काफ़ी लोगों को दिक्कत थी कि ₹10 के कॉइन लीगल टेंडर है या नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी वेराइटीज़ आ चुकी थी। और मुझे मैसेज आया है कि ₹10 कॉइन हैज़ बीन इशूड विद बोथ 10 और 15 रेडिएटिंग लाइन्स। तो काफ़ी लोग रिक्शे वाले या किराने के दुकान वाले भी नहीं ले रहे थे, और इसमें लिखा है कि बोथ आर वैलिड, एक्सेप्ट देम विदाउट फियर। और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 1440 पर आप मिस कॉल दीजिए। चलिए इसकी न्यूज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, न्यूज़ में भी आया है कि ऑल ₹10 कॉइन्स विद 10 और 15 रेडिएटिंग लाइन्स आर लीगल, और RBI ने लगभग 14 डिज़ाइंस में ये ₹10 के कॉइन मार्केट में उतारे थे। और अभी लोगों को फ़िलहाल पता नहीं चल रहा है कि कौन से मीन्स वो लें और कौन से नहीं लें। उसी के लिए RBI ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है ताकि आप ये एक्सेप्ट करें। और RBI ने बैंक्स को भी कहा है कि आप बैंक्स में भी एक्सेप्ट करें, और एवरी ब्रांच में ये ₹10 के कॉइन एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये लीगल है और ये अलग अलग डिज़ाइंस में RBI ने बनाए हुए हैं हुबली में, और सबसे ज़्यादा दूसरे जगह पे जहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि इस ₹10 कॉइन के लिए, तो वहाँ पे लोग ले नहीं रहे हैं, तो उसी के तहत काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो काफ़ी लोग रिजेक्ट कर रहे थे लेने से, और बैंक्स में फिर लोगों ने इंक्वायरी की तो पता चला कि ये न्यू कॉइन्स है और आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा लोगों को पता चलने लगा है, लेकिन अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं कि ये ले नहीं रहे हैं। तो सोशल मीडिया थ्रू बैंक्स और RBI इसे क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं लोगों को, ताकि लोग एक्सेप्ट करें। अगर आपको भी कोई डाउट हो तो आप 1000 1440 पे आप मिस कॉल दे सकते हैं, और जो ₹10 के कॉइन्स है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। चलिए, आज मुझे इसी के बारे में बताना था। तो आप भी अगर नहीं लेते हैं या आपके पास भी कॉइन है तो आप बैंक्स में भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो बतानी थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए, थैंक यू।